अंबाला में बारिश और बाढ़ के पानी ने लोगों का जमकर नुकसान किया है। चाहे वो किसान हो या फिर आम नागरिक, सभी को अब की बार बारिश और बाढ़ से काफी नुकसान पहुंचा है। अंबाला की कॉलोनियों में 5 से 7 फीट तक पानी घुस चुका था। बाढ़ के बाद अब कॉलोनियों में गंदगी का अंबार लग गया है। जिधर देखो उधर कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। कीचड़ की वजह से बदबू फैलने लगी है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। घर से लोग अपने पैरों में पॉलिथीन बांध कर निकलते हैं। लोगों के पैर भी खराब होने लगे। अब लोगों को महामारी फैलने का भी डर सता रहा है। लोगों ने प्रशासन पर सुध ना देने के भी आरोप लगाए हैं। एक महिला ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी का भी कोई रिश्तेदार या जानकार है वो वहाँ पर फंसे अपने जानकारों की मदद करे। उन्होंने कहा कि अगर किसी के घर में एक चूहा भी मर जाता है तो सारा घर सर पर उठा लिया जाता है और यहाँ तो अनगिनत पशु पक्षी मरे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आशंका नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि महामारी जरूर फैलेगी। लोगों ने प्रशासन से युद्ध स्तर पर सफाई व्यवस्था को ठीक कराने की अपील की है। सुधार मेजर राजकुमार था और आज़ाद नगर अंबाला कैंट से बोल रहा हूँ। ये बाढ़ की स्थिति अभी जो उत्पन्न हुई है उसको देखते हुए सरकार ने नगर पालिका ने अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अभी गलियों में अभी भी पानी भरा हुआ है। हमें प्रतिदिन कितनी बार उस पानी में से गुजरना पड़ा है। हमारे पैर तक खराब हो चुके हैं। हम पॉलीथीन बांध बांध करके पैरों में लगे हैं। उंगलियाँ खराब हो चुकी हैं। स्वेलिंग आ चुकी है। अभी सरकार से यही है कि सबसे पहले अपने नुमाइंदे भेजकर सर्वे कराए और जहाँ जहाँ कूड़े करकट का डंप लगा हुआ है नगर पालिका के वर्कर भेज करके ट्रैक्टरों में भर के साफ करवाए। महामारी के 100% चांसेस हैं। हम यही अनुरोध करते हैं कि इस स्थिति में वार लेवल पे हर कर्मचारी को काम करना चाहिए। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि अपने अधिकारियों को उचित आदेश दें, स्ट्रिक्ट एक्शन लें और जिससे ये स्थिति से निपटा जाए। धन्यवाद। राम राम, जय सिया राम। मैं लक्ष्मीपुरा कॉलोनी से बोल रही हूँ। आप खुद मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है और आप खुद देख सकते हैं किस तरह का हाल है हमारे पीछे। कीचड़, कीचड़ नहीं कह सकते, महाकीचड़, जिसको देखने से ही इंसान की शरीर से उल्टियाँ आने लग जाती हैं। और आप ये सोचिए इसकी गंदगी और इसके अंदर जो मच्छर पैदा होते हैं उसके अंदर शरीर में कैसे कैसे कीटाणु पैदा होंगे ये तो डॉक्टर और इंसान हर कोई जानता है। और इससे हैजा फैल सकता है, उल्टियां लग सकती है, दस्त लग सकते हैं, लोग बीमार हो सकते हैं, उससे ज़्यादा लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। और जिस जिस के भी रिश्तेदार इन चीज़ों से ऐसी ऐसी ग्रस्त ऐसी ऐसी परेशानियों से ग्रस्त हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, अपने हितैषियों को जाकर मानसिक रूप से उनके साथ खड़े हो जाइए ताकि उनको हौसला मिले, हिम्मत मिले कि इस चीज़ से कैसे उभरा जाए। पर एक बात है, हमारे यहाँ लोकहित कहते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र जनता के अनुसार चल रहा है, पर लोकतंत्र तो है ही नहीं। लोकतंत्र तो वो होता है कि जो हमारे नेता हैं, हमारे साथ खड़े होने वाले भाई बहन हैं, वो आकर इस ग्रस्त से, इस हालात से हमें ऊपर उभारे। आकर देखिए तो कम से कम एक जेसीबी तो भेज दीजिए। एक हफ्ता हो गया है, पिछले इतवार से आज सोमवार हो गया है, इस इतवार तक कोई भी, आज तो मंगलवार आ चुका है, सोमवार की जगह मेरे से गलती हो गई है, सोमवार की जगह मंगलवार आ चुका है, पर अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से एक भी जेसीबी नहीं आई है कि इस कीचड़ वाले मलबे को बाहर निकाल दे ताकि हम लोग अपने घरों से गंदगी को बाहर निकालें। जब बाहर से ही साफ नहीं होगा तो अंदर घर में कैसे कीचड़ साफ होगा? हमारे कपड़े, हमारा सामान, अरे कुछ न 10 में से कम 1-2 सामान तो बचा लें। हमारे पहनने के लायक कपड़े तो बचे, हम खड़े होने के लायक तो बने। अब कीचड़ में ही लथपथ रहेंगे तो कैसे उभरेंगे? फिर काहे की लोकतंत्र, काहे का जनता का साथ और काहे की ये नेता। मैं तो यही कहती हूँ कि आकर एक बार अपने घरों के बाहर नाली में इतना थोड़ा सा कचरा हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, तो हम कितने परेशान होंगे। आकर देखिए और इस कीचड़ से हमें बाहर निकालिए। जब तक एक दूसरे का साथ नहीं होगा तब तक हम बाहर नहीं निकल सकते। प्रशासन से एक ही अपील है। हाँ, प्रशासन ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि पानी और बिजली की व्यवस्था कर दी है, पर पीने का पानी अभी साफ नहीं है।
अगर पीने का पानी और खाने में इस्तेमाल हम गंदा करेंगे तो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। लोगों के पेट दर्द, उल्टी, और अब तो मुझे लगता है कि बुखार आने की भी संभावना है। बहुत सारे लोगों को बुखार भी हो चुका है। अगर लोग मरते रहेंगे तो वो अपने प्रशासन को धन्यवाद नहीं कर सकते। महामारी फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा है। कीड़े मकोड़े जानवर मर चुके हैं, उनकी गंदगी हमारे यहाँ हैजा फैलाएगी। महामारी सबसे ज़्यादा है, हवा दूषित हो जाएगी, जो करोना था ना उससे ज़्यादा बड़ी महामारी हो जाएगी अगर हमने सफाई नहीं की। अभी तो गीला गीला है, साफ भी हो जाएगा, और फिर जब सूख जाएगा तो उसमें बदबू और सड़न बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये आप समझ सकते हैं कि एक चूहा अगर घर में मर जाए तो पूरा घर अपने सिर पर उठा लेते हैं घर वाले। तो अब आप देखिए, बड़े बड़े जानवर भी मर चुके हैं, छोटे जानवर भी मर चुके हैं, और चूहों का तो आप कह ही नहीं सकते। कुत्ते भी हैं बीच में, उनसे हमें बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी बीमारी फैलने की आशंका क्या पूरा पूरा विश्वास है। वहीं सफाई व्यवस्था के बारे में जब अंबाला कैंट एसडीएम सितेंद्र सिवाच से बात की तो उन्होंने बताया कि अंबाला में जहां जहां पर बाढ़ का पानी आया था वहां पर कीचड़ को साफ करने के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे में कल सामाजिक संस्थाओं के साथ भी मीटिंग में सफाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए उनसे सहयोग मांगा गया। आज मैंने इसके लिए फील्ड विजिट की है और जिन जिन स्थानों पे बाढ़ का पानी आया था वहाँ कीचड़ और नालियों में जो कीचड़ है उसकी सफाई के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं। और कल हमने मीटिंग करके एनजीओ के साथ मीटिंग की थी कि आमजन भी इसमें सफाई अभियान में हमारा सहभागी बने, तो उनसे बात चल रही है, वो भी जुड़ेंगे। और हमारा जो स्टाफ है, रेगुलर स्टाफ है, वो भी अपनी टीमें बनाकर इसमें कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा बीमारियों से बचने के लिए हेल्थ टीम्स इन प्रभावित इलाकों में रेगुलर चेकअप्स कर रही हैं और इसमें बिजली और पानी की व्यवस्था पे नजर रखी जा रही है और पानी के सैंपल लिए गए हैं ताकि स्वच्छ पानी सबको मुहैया किया जा सके। कल एनजीओ की मीटिंग हुई तो उसमें तीन के करीब हमारे पास आए थे और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप लगभग हर गांव में एक या उससे भी ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो उनकी भी मदद मांगी गई है कि वो सरपंचों के साथ मिलकर अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में सफाई अभियान चलवाएं। अंबाला में आज शाम तक का ही पानी बचा है, किस तरह से देखते हैं, कैसे इंतजाम किए हैं? हाँ, ये क्योंकि जो रॉ वाटर की जो मेन जिस नहर से पानी मिलता है उसमें ब्रीच हुआ है तो और पानी नहीं आ पा रहा है, तो ये कल से जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी हुई है कि थोड़ा जल प्रयोग है वो कम करें। और प्रयास उधर से ये भी किया जा रहा है कि जितना जल्दी हो इस कैनाल को ब्रीच करके स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जाए। सर, एचए ने बोला है कि 4 से 5 दिन अभी नहर को ठीक करने में लगेंगे, ऐसे में कैसे इंतजाम किए जाएंगे? हाँ, नहीं, ये वाकई चुनौतीपूर्ण है, तो समस्त आमजन से भी ये अनुरोध है कि वो पानी का सीमित प्रयोग करें। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।